नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता, एक नजर की एक खास रिपोर्ट। कुरुक्षेत्र की पावन धरा से आज सीएम नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव का श्री गणेश किया। ये वो ऐतिहासिक क्षण था जिसका इंतजार पूरा प्रदेश कर रहा था। कुरुक्षेत्र के थानेश्वर में जब रैली हुई तो सोशल मीडिया के माध्यम से प्रदेश भर से लाखों लोगों ने इस रैली को देखा। नायब सिंह सैनी ने जहां चुनावी उद्घोष किया तो वहीं प्रदेश के किसानों को बड़ी सौगात भी दी। मंच से सीएम सैनी ने किसानों का 133.55 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया। वहीं प्रदेश की सभी फसलें एमएसपी पर खरीदने का ऐलान भी किया। इस ऐलान के बाद किसानों के चेहरे खिल उठे हैं और सबसे बड़ी बात, प्रदेश में कांग्रेस की भी सरकार रही है जिसमें आमतौर पर लोगों को घोटाले सुनने को मिलते थे। प्रदेश में 9.5 साल से भाजपा की सरकार है, यहां तुरंत बदलाव ही होते हैं। नायब सिंह सैनी अब प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में ऐसे मुख्यमंत्री की मिसाल कायम की है जिसको लेकर लोग भी कहते हैं कि मुख्यमंत्री हो तो ऐसा जो धड़ाधड़ फैसले लेता है। और रैली में शामिल होने से पहले सीएम सैनी ज्योतिसर में वट वृक्ष की पूजा करने के लिए पहुंचे थे जिसके नीचे श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का संदेश दिया था। बाद में उन्होंने गुरुद्वारा साहिब में माथा भी टेका और मंच पर संबोधन के माध्यम से सभी नेताओं ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। मंचा सिंह नेताओं ने कहा कि बाप बेटा हरियाणा को बेचने में लगे हुए हैं, पैसा कहाँ गया, दामाद के पास गया या फिर कहाँ गया? हरियाणा को बेचने के लिए कांग्रेस आपके साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, भाजपा हरियाणा को बचाने का काम करेगी। सीएम सैनी रात को 2 बजे तक भी कार्यकर्ताओं से मिलने का काम करते हैं और 2024 के इलेक्शन साधारण इलेक्शन नहीं बल्कि कुरुक्षेत्र का एक एक कार्यकर्ता अपना सब कुछ दांव पर लगाकर पार्टी के लिए काम करता है, इसलिए इसकी शुरुआत यहां से की जा रही है। कांग्रेस और आप देश को बर्बाद करना चाहती है। 2024 के लिए विपक्ष षड्यंत्र रच कर बैठा है। पंजाब की तरह हरियाणा के युवाओं को भी नशे में धकेलने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि आज भाजपा के हुई इस रैली में प्रदेश में चुनावी उद्घोष कर दिया गया है। मारा हरियाणा, नॉनस्टॉप हरियाणा के नाम से प्रदेश के सभी 90 हलकों में रैलियां होंगी और आज हुई इस रैली पर प्रदेश भर की निगाहें थी और लोग एक बार पुनः भाजपा सरकार चाहते हैं। अब इस उद्घोष से जुड़कर प्रदेश में एक बार फिर से लोग भाजपा सरकार बनाने की पटकथा को लिखेंगे। मेरे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, मेरे मित्रों, ये 2024 के इलेक्शन कोई साधारण इलेक्शन नहीं है। हमने कुरुक्षेत्र को क्यों चुना है? शुरुआत तो हम दूसरे प्रांत से भी कर सकते थे। हम कुरुक्षेत्र को ही क्यों चुना है, क्या कारण है? क्या हम जानते हैं कुरुक्षेत्र का भूमि से कुरुक्षेत्र का भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता आपने कब दांव पे लगा के भारतीय जनता पार्टी के तीसरी बार की सरकार, ये कुरुक्षेत्र के हमारे प्यारे कार्यकर्ता तैयार करेंगे। मित्रों, आज सत्ता के लड़ाई नहीं है। मैं हरियाणा वासी को, हरियाणा को, मां को, बेटों को, किसानों को, सबको मैं बताना चाहता हूं, आप लोग इस षड्यंत्र से वाकिबाल रहिए। एक कांग्रेस आम आदमी पार्टी हरियाणा का सत्ता इसीलिए चाहता है क्योंकि पंजाब को जैसा उन्होंने ड्रग्स में और युवाओं को बर्बाद करके रख दिया, किसानों को बर्बाद करके रख दिया, पंजाब को देउले बना के रख दिया, हरियाणा को बेचना चाहते हैं। इस कारण से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अपना राजनीति कर रहा है। आज हमारे हरियाणा को, नौजवान को ड्रग्स से बचाना है और नायब सिंह सैनी के ऊपर पूरा विश्वास है, हरियाणा को ड्रग्स के शिकार होने नहीं देंगे। मेरे भाई, नायब सिंह सैनी नहीं होने देंगे। मेरे मित्रों से, भारतीय जनता पार्टी का संगठन को रक्षा करने के लिए आपका दायित्व नहीं है। हरियाणा को, एक एक मां को रक्षा करना हमारा दायित्व है। हरियाणा का एक एक नौजवान को बचाना हमारा दायित्व है। हरियाणा का नौजवान फौज में जाके देश रक्षा करने के लिए पैदा हुआ है। हरियाणा का नौजवान ओलंपिक में मेडल लाने के लिए पैदा हुआ है। हरियाणा का नौजवान खेती में धान उत्पादन करने के लिए पैदा हुआ है। हरियाणा का नौजवान हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश को नंबर एक बनाने का संकल्प लेके बैठा हुआ नौजवान है। मेरे मित्रों, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को मैं कहना चाहता हूं, मेरे मित्रों, आप लोग इस इलेक्शन को सीधा
बहुत सीधा मत समझिए, इसके पीछे बहुत बड़ा बहुत बड़े षड्यंत्र करके बैठा हुआ है। इन लोगों ने तय करके बैठा है हरियाणा को बेच डालेगा, हरियाणा को खत्म कर डालेगा, ड्रग्स के शिकार बनाएगा। जैसे पंजाब को खत्म किया मैंने पहले बोला, हरियाणा को ऐसा ही वो लोग प्लान कर रहे हैं। इनका काम ही पैसे कमाना मेरे मित्रों। भारतीय जनता पार्टी का सर्वबृहत नेता नरेंद्र भाई मोदी का काम पैसा बनाना नहीं मेरे मित्रों। नरेंद्र भाई मोदी के पास न घर है, न द्वार है, न परिवार है। नरेंद्र भाई मोदी के पास कोई परिवार है तो 140 करोड़ जनता उनका परिवार है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनका परिवार है मेरे मित्रों। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। आज मैं कुछ और घोषणाएं आज इस पवित्र भूमि से करना चाहूंगा कि आज हम कुरुक्षेत्र की उस पावन धरा के ऊपर उपस्थित हैं। आज मैं ये घोषणा करता हूं कि आज तक प्रदेश के किसानों को की तरफ से पिछले अभियान का जो 133 करोड़ 55 लाख 48 हजार रुपए बकाया था, आज उसको माफ करने की मैं घोषणा करता हूं। इससे हरियाणा के किसानों को हर वर्ष लगभग 54 करोड़ रुपए की लागत की राहत मेरे हरियाणा प्रदेश के किसानों को मिली। मुझे ये भी बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किसानों की 14 अन्य फसलें भी एमएसपी पर खरीदने का काम किया था और आज 9 फसलें और बकाया हैं। हरियाणा प्रदेश की जितनी भी फसलें हैं सारी की सारी एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार करेगी। आज मैं इसकी घोषणा करता हूं।